हेलो गाइस, सुशीला की हस्तकलाएं में आपका स्वागत है। ये देखिए, हमने ये ड्रेस कितनी प्यारी सी बना ली है अपने दो नंबर कान्हा जी के लिए। ये देख सकते हो कितनी प्यारी ड्रेस। ये देखिए इसको, ये देखिए इस तरह से एकदम गोल, और ये देखिए इसके साथ की ये कैप, और इसमें हम अब आपको ऐसा फ्लावर बताएंगे जो हमने ये पांच नंबर के लिए बनाया था ना। ये फ्लावर बड़ा है लेकिन इसमें हम छोटा है इसका हिसाब, तो छोटा बनाकर दिखाएंगे आपको। ये धागा हमने निडल में डबल लो लिया है। अब ये देखिए अब हम आपको देखिए कैप बना के दिखाते हैं बड़े वाले इनके लिए। छोटी सी है, आप समझ नहीं पाते, लेकिन हमने बना दिए वो। ये देखिए ऐसे एक लूप बना लें, और उसमें से हमने कितनी चेन लेनी है, दो तीन देखिए चार, चार हमने लूप ले ली है, और ये देखिए पांच ले लिए हमने। अब हमने पांच लेके जो लास्ट की थी ना हमारी, इसमें अटैच करेंगे हम। ये लास्ट की में हम इससे अटैच कर देंगे, इसको स्लिप स्टिचिंग कर देंगे। ये देखिए, अब ये देखिए हमारी ये पांच है, और ये पांच के बीच में जो होल देख रहे हो ना ये वाला, इसमें से हमने अब अपनी क्रोशिया डाल लिए, और ये देखिए चेन बनाएंगे, एक दो और ये तीन, तीन बनाई। अब इसके अंदर ही हम डालेंगे इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक देखिए हमने छह बना लिए, छह क्रोशिया बना के हमने जो ये तीन चेन ली थी इसके फोर्थ वाले में इस तरह से डाल के इसको जॉइंट कर देंगे स्लिप स्टिच। ये देखिए ऐसे, और ये हमारी कैप यहीं से मुड़ गई। अब फिर से देखिए हम यहाँ पे चेन लेंगे, एक दो और ये तीन, तीन चेन ली, और ये पहले वाले में ही हम यहाँ पे डाल लेंगे, सेकंड वाले में डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इसमें हमने थर्ड वाले में दो बार निकालना है, एक बार लिया और देखिए दो बार इसी में डालेंगे दूसरी बार, यानी ये भी डबल क्रोशिया। तो हमें इस तरह से ये राउंड अपना कंप्लीट करना है कि एक एक में हम दो में एक एक बार लेंगे, तीसरे में हम दो बार लेंगे। ये देखिए हमारा ये कंप्लीट हो गया राउंड। अब ये इसी में हम जो चेन ली थी तीन वाली, इसके फोर्थ वाले में हम इसको ज्वाइंट कर देंगे इस तरह से स्लिप स्टिच से। ये हो गया। अब हमने जो थर्ड राउंड है हमारा सेम ऐसे ही निकालना है जो हमने सेकंड वाला निकाला, दो में डबल क्रोशिया बनाएंगे एक एक बार, और फिर तीसरे में हम दो बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस राउंड को भी हम कंप्लीट कर लेते हैं फिर दिखाते हैं। ये देखिए ये राउंड भी कंप्लीट हुआ हमारा। अब इस जो हमने चेन ली थी तीन वाली, इसमें हम इसको स्लिप स्टिचिंग कर देंगे, शेप आ गई कैप के। फोर्थ राउंड हमारा, तीन चेन लेंगे, दो और ये तीन, और इसमें डालेंगे फर्स्ट में डबल क्रोशिया बना देंगे
तो इस तरह सेकंड में डालेंगे, डबल क्रोशिया बना देंगे। ये थर्ड हो गया, फोर्थ में हमने दो बार बनाना है, यानी तीन में हमने सिंगल सिंगल डबल क्रोशिया बनाना है और फोर्थ वाले में हमें डबल क्रोशिया बनाना है, एक में दो बार डाल के। इस तरह से ये राउंड भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए हमारा ये थर्ड राउंड कंप्लीट हुआ और अब हमें पर तीन चेन लेंगे, एक दो और जो तीन, और फोर्थ को हमें देखिए अब क्या करना है, ये फर्स्ट में डालेंगे डबल क्रोशिया बना देंगे। अब ये देखिए सेकंड में डालना है डबल क्रोशिया बना देंगे, थर्ड में डालना है डबल क्रोशिया, फोर्थ में डालना है। अब ये फोर्थ में डालने के बाद फाइव जो आएगा इसमें हम दो बार बनाएंगे चेन में, एक चेन में से हमें दो बार निकालना है चार फंदों के बाद, इसमें डालेंगे दोबारा। ये देखिए ये राउंड में हमें चार चेन एक एक में से निकालनी है, एक चेन में से एक, 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 चार बार ऐसे निकालना है। पांचवी बार में हमने डबल क्रोशिया यानी दो बार एक चेन में से निकाल के बनाना। ये राउंड हम अपना पूरा इस तरह से ही कंप्लीट करेंगे और फिर आगे दिखाएंगे। ये देखिए ये राउंड हमारा कंप्लीट हुआ और अब इसको हम यहां से लेके स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरह से फोर्थ वाले लेके। ये देखिए हमने ये चार राउंड कंप्लीट हुए, एक दो तीन चार, इतना ही हमने ये बनाया था। ये देखिए ये थोड़ा हमने कस के बना दिया, छोटे ठाकुर जी के लिए बनाया, लेकिन इतना ही बेस है और बस इतना ही हमने कि पहले में हमने यहाँ में छह निकाले, फिर उसमें से हमने एक छोड़ के दूसरे में निकाले डबल डबल, फिर दूसरे में वही निकाला, चौथे में हमने चौथे राउंड में पांचवें में निकाला बस, और इसका व्हाइट बार कर दिया ये डबल हाफ क्रोश। ये हमारा हो गया छोटे वाले का। अब इसको हम बना रहे हैं पांच नंबर के लिए। तो देखिए यहां से फिर से एक चेन लेंगे, दो और ये तीन, तो इसके लिए इतना छोटा बना लें बस, ये दो नंबर तीन नंबर के आराम से ये आ जाएगी। अब ये देखिए इसमें डालेंगे हम पहले वाले में, वो यहां पर डबल क्रोशिया बना देंगे। अब इसमें हमें वही करना है, इसमें क्या करना है पांचवें में डालना हमें बस, जैसे हमने ये अभी फोर्थ वाला करा बस इसमें डालेंगे। तीन चार हम बनाएंगे सिंगल सिंगल, चार बार एक एक चेन में से, ये देखिए तीन हो गए और ये देखिए ये चार। देखिए इस हमने तीन वाला चेन लिया, इसको भी राउंड काउंट करेंगे, एक दो तीन चार, और इसी पांचवे वाले में हम डबल बना लेंगे। अब यानी पांचवे चेन में हमने दो बार बनाया यही राउंड, सेम जैसे ही कंप्लीट करेंगे जैसे ये वाला करा, दिखाते हैं। ये देखिए ये हमारा पांचवा राउंड कंप्लीट हुआ। अब इसमें हमने जो तीन चेन ली थी इसके फोर्थ वाली चेन में इस तरह से हम अटैच कर देंगे इस तरह से, जॉइंट कर दे। अब ये देखिए इतनी बड़ी बन गई हमारी। आप अपने ठाकुर जी का सिर देख ले, ये मेरे ठाकुर जी का सिर आ जाएगा इसमें। ये देखिए एक राउंड और लेंगे, एक दो और ये तीन, तीन हमने चेन बनाई और पहली वाली में ही डालेंगे एक चेन में से एक डबल क्रोशिया, पांच चेन हम तीसरे निकालेंगे और छठी पे हमने यानी सिक्स वाले चेन में से हम दो बार लेंगे इस तरह से। ये राउंड कंप्लीट करते हैं फिर दिखाते हैं। ये देखिए ये राउंड कंप्लीट हुआ। अब इसमें जो हमने तीन चेन ली थी इसके ही फोर्थ वाले में हम इसको स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरह से, ये जॉइंट हो गया। ये देखिए ये हमारी कैप ऐसे हो गई, ये जॉइंट वाला सारा हमारा, ये देखिए इतनी बड़ी हमारी ये कैप बन गई है।
हमें ठाकुर जी का सिर आराम से आएगा 4 और 5 के नंबर के। एक राउंड और लगाएंगे हम, 5 बनाएंगे सिंगल क्रोशिया छठे में से, 3 चेन ली और यहाँ हमने फर्स्ट में डाला, ये देखिए जॉइंट कर दिए। अब ये देखिए, अब हमारी ये कितनी लंबी लंबी सी टोपी है वो हो गई है। अब इसको हम यहाँ से कट करेंगे। देखिए हमने कितने राउंड बनाए हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 राउंड बनाए हमने और इसमें हमने 4 राउंड बनाए। अब ये देखिए इसमें हम व्हाइट लेते हैं, यहाँ से कट किया, हम यही अटैच करेंगे। अब इसमें हम ये वाली बनाएंगे, इसलिए रैप करेंगे सिलाई पे धागे को, अगले चेन में डालेंगे और देखिए तीनों को एक साथ निकाल देंगे। इसको हम कहते हैं हाफ डबल क्रोशिया, तीनों को एक साथ निकालने को। इस तरह से हम सारे बनाएंगे। अब हम ये थोड़ा सा इसको खींच देंगे वाइट को, ताकि हमारी पहली बार ढीला ना रहे। ये खींच दिया, बाद में गांठ मारेंगे हम। ये देखिए अब हम नेक्स्ट वाले में डालेंगे और यहाँ हम इस तरह से तीनों में एक साथ निकालेंगे, फिर नेक्स्ट वाले में डालेंगे, हर एक चेन में हम डाल रहे हैं। ये देखिए फिर नेक्स्ट में यह हमारी चेन बनी हुई है जैसे हम बना रहे थे पहले, इस तरह से हमारी आ जाएगी, देख सकते हो। ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लेते हैं फिर दिखा दे। ये देखिए ये राउंड हमारा कंप्लीट हुआ। अब इसकी जो हमने डाली थी ये वाली चेन, इसमें लेके इसको इस तरह से अटैच कर देंगे, स्लिप स्टिच ये हो गया। और इसी अब धागे को काट के पक्का कर देंगे, ये बन गई हमारी पोपी। देखिए थोड़ा हमने ठाकुर जी के सिर से बड़ी बनाई ताकि कान ढक जाएं और हम बाल बाल उनको पहनाते हैं हेयर उनके, तो ऊपर से आराम से पहना सकें। अब हम देखिए थोड़ा सा ये धागा ले लेंगे और यहाँ ऐसे लपेटेंगे। ये सुई में अब जो बचा है धागा सुई में डाल लेंगे तरह से और इनकी कटिंग कर देंगे। ये जो हमारी ये जिसमें हमने ये होल बनाया था इसके अंदर करेंगे इनको, तो इसे उल्टा कर लें और आराम से क्रोशिया से निकाल आएंगे। सारे निकल गए, सीधा करेंगे और अब ये इसी सुई से सील देंगे, अटैच कर देंगे। पहली वाली ले लेके इस तरह से सील दें इसको। यहाँ पे स्टार्ट किया था हम वहीं पे आ गए और नोट लगा देंगे, इस तरह से नोट लगा दे। ये होगी हमारी कान्हा जी की कैप। देखिए ये इनके लिए बनाई, 2 नंबर की ड्रेस। इस पे वीडियो हम इसमें लिंक डाल देंगे, इसकी वीडियो हम इस कैप वाली वीडियो में लिंक डाल देंगे। ये देखिए ये हमारी कान्हा जी की बेल्ट, ये टोपी और ये हमारे 4 नंबर 5 नंबर उनकी कैप, इनकी बेल्ट टोपी। अब आपको पहना के दिखाते हैं। ये रहे हमारे ठाकुर जी, हमारे लड्डू गोपाल भाई बेटा 2 नंबर के। देखिए जल्दी सीन के उतार लेते हैं। ये रहे हमारे कान्हा जी 5 नंबर के, ये पहना हुआ इन्हें स्वर्ग। देखिए यहाँ पे ये टच बटन लगा देंगे हम, और चाहो तो आप इसको बंद कर सकते हो,
यहाँ बंद कर सकते हैं हम, टिच बटन लगा देंगे फिर बेल्ट लगा देंगे ऊपर से, तो हमारे कान्हा जी की ये नीचे थोड़ी सी नीचे चली जाएगी। ये देखिए कितनी बढ़िया, ये फ्लावर कितना सुंदर लग रहा है, ये देख सकते हो। ये बेल्ट, बेल्ट आप चाहो तो मोटी बना लें। देखिए ये मेरे कान्हा जी की क्रिसमस डे की ड्रेस, और ये इनकी पोपी। तो हमारे कान्हा जी की बस अब थैला रहा है, हम लटका देंगे। ये हमारी देखिए ड्रेस बन गई, हमने नॉर्मल ड्रेस बनाई है ताकि डेली पहन सके, प्रॉपर ड्रेस हमने क्रिसमस डे की नहीं बनाई है, डेली पहनाएंगे हम। ये 4 नंबर के 5 नंबर के आराम से आएगी, किसी को भी पहना दे। देखिए इनके लिए हमने ये कैप ड्रेस बनाई है, ये देखिए ये हमारे कान्हा जी 2 नंबर के। आप इसे बनाइए और सीखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कीजिए ऐसे ही ड्रेस बनाने के लिए। गाइस हमने 5 नंबर के लड्डू गोपाल के लिए कैप बना के दिखाई है आपको हमने। ये मेरे 5 नंबर के, ये 2 नंबर के कान्हा जी हैं। गाइस ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन बहनों तक जो इस ड्रेस को बनाना चाहती हैं कान्हा जी की पोशाक को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इन्होंने किया है भाई बहनों, उनके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद और थैंक यू।